2.4 पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये 12 सीटर है ओवरऑल, ठीक है। इसमें हम 3 वेरिएंट्स जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं, एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक ऑटोमेटिक विद ड्यूल सनरूफ और लेदर सीटिंग के साथ। इसमें फर्स्ट टाइम जो है कॉन्फ्रेंस सीटिंग जो है ना इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, इससे पहले पाकिस्तान में कोई व्हीकल जो है ना वो ऑफर नहीं कर रहा था, ये 2 एयरबैग इस व्हीकल में जो है ना ऑफर कर रहे हैं हम लोग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर। इस वक्त पाकिस्तान ऑटो शो में एक गाड़ी खड़ी है जो कि ग्रैंड स्टेरिक्स है हुंडई के ब्रांड के नाम से, और ये पाकिस्तान में इसी तरह से आ रही है और इसका हम आपको एक टूर देंगे। और हमारे साथ हुंडई के इमरान साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि सर इसका इंजन की कैपेसिटी क्या है। सर ये 2.4 पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये। सही, ठीक है। और इसकी जो है ना 173 हॉर्स पावर हैं, 228 इसका जो है ना टॉर्क है। ये बेसिकली जो है ना थ्राइस पर्पस फुलफिल कर रही है ये व्हीकल, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, ये फैमिली के लिए है और सम सॉर्ट ऑफ कमर्शियल यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 सीटर है ओवरऑल, ठीक है। इसमें हम 3 वेरिएंट्स जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं, एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक ऑटोमेटिक विद ड्यूल सनरूफ और लेदर सीटिंग के साथ है, फुल ऑप्शन के साथ है। सर इसकी हाइट और लेंथ के बारे में? जी मैं इसकी जो है ना डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये 3200 मिलीमीटर का जो है ना वो व्हील बेस है इसका, 190 मिलीमीटर की जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी ओवरऑल लेंथ थी वो 5150 है, विड्थ की बात की जाए तो वो इसकी जो है ना 1920 है और इसकी हाइट 1925 है mm में, ठीक है। और इसमें प्रोजेक्टर हेड लैंप्स हैं हमारे पास, क्रोम ग्रिल्स हैं इसमें, फॉग लैंप्स हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। और इसमें बॉडी कलर जो है ना साइड मिरर्स हैं इसका, इसमें रियर व्यू कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें। इसमें फर्स्ट टाइम जो है कॉन्फ्रेंस सीटिंग जो है ना इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, इससे पहले पाकिस्तान में कोई व्हीकल जो है ना वो ऑफ़र नहीं कर रहा था ये, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से और आप कह लेंगे जो लोग टुगेदर मूव करना चाह रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये अपीलिंग किस्म की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन है। इवन ये सीटों में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें जो है ना, इवन जो लोग एजड हैं, जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते या जो बीमार हैं, वो ये सीटें जो है ना बेड्स जो है ना बन जाती हैं और बेड्स की सूरत में भी आप वो ट्रैवल कर सकते हैं उसमें लेट कर प्रॉपरली, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 वेरियंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4.5 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, गोज अप टू 5.9 मिलियन और इसमें दो जो है ना सनरूफ इन्वॉल्व में टॉप ऑफ द लाइन में। अगर आप और इसमें लेदर सीट्स हैं टॉप ऑफ द लाइन में, जबकि दूसरे में फैब्रिक सीटिंग्स आ जाती हैं आप इसमें, ठीक है। इसको MPV सॉर्ट ऑफ जो है ना व्हीकल है ये, और ट्रैवलिंग के लिए और आप नॉर्दर्न एरियाज में मूव करने के लिए फैमिलीज़ के साथ जो है ना लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने की वजह से ना सिर्फ आप पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं लाहौर, इस्लामाबाद और जो है ना कराची वगैरह इधर आप मूव कर सकते हैं, बल्कि जो एडजेसेंट सिटीज़ हैं जहाँ पर रोड थोड़ी सी अनइवन आपको मिलती हैं वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़फुल है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। देखें जी, हुंडई का जो सस्पेंशन जो डिज़ाइन हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मार्केट और यहाँ की जो रोड स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें जो है ना स्टिफनेस भी सम हुआ है और वहीं पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आपको कन्वीनियंट भी है इसमें, ठीक है। जहाँ कोई रिजिडिटी रिक्वायर्ड हो तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी इसको पूरा ये फुलफिल कर रही है। और कन्वीनियंट को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि लेदर सीटिंग इसमें आ जाती है, इसमें 2 एयरबैग्स जो है ना इसमें इस व्हीकल में जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कस्टमाइजेशन जो है ना इन सेंस, हाँ, इसमें आपके पास जो है ना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं आफ्टर मार्केट इसको, और रेयर LED डिस्प्ले भी आप ले सकते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर विश कि आप इसको जैसे चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन रन वे एप्रन व्हीकल के तौर पर भी हमारे व्हीकल्स जो है ना वो ली जा रही हैं और ऑलरेडी एयरपोर्ट में भी जो है ना इनकी मूवमेंट हो रही है। सो व्यूअर्स, अभी हम इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसके अंदर जो है इसकी सीट्स की कैपेसिटी क्या है और किस तरह से है। सीट इसकी जो है ना रोटेट कर जाती हैं, इट कैन बी टूवर्ड्स फ्रंट फेशियल, और जो है ना ये बिल्कुल जो है ना कॉन्फ्रेंस सीटिंग स्टाइल में इस टाइम आपके पास कॉन्फ्रेंस सीट कॉन्फिग्रेशन मौजूद है आपके सामने। और राइट नाउ मैं इसको रोटेट करूँगा टूवर्ड्स फ्रंट फेशियल। इसमें आप देखें कि
दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म, विद इन ए नो टाइम आप इसको फ्रंट फेशियल रोटेट कर सकते हैं और ये इसकी फ्रंट फेशियल कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। सेम इसी वे में ये वाली सीट भी जो है ना फ्रंट फेशियल हो जाएगी और इस केस में आप मैक्सिमम जो जो हैं आप कह लें कि जो लोग हैं वो इसमें बैठ सकते हैं। और इस गाड़ी की सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप फुल फ्लैज 12 पीपल के साथ यहाँ बैठ जाएं तो आपको ना हेड स्पेस का कोई इशू आएगा ना आपके जो है ना नी स्पेसिंग का कोई इशू आएगा, ये इक्वली जो है ना कंफर्टेबल है। अभी इसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हम इसमें दो सनरूफ देख रहे हैं जी जी। और दोनों जो सनरूफ हैं वो वर्किंग उसके अंदर हैं और ये लिफ्ट होकर ऊपर चले जाते हैं जैसे नॉर्मल वर्किंग है। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, एयर कंडीशनिंग ये ड्यूल एसी इसमें, और अगर आप देख रहे हो तो आपके हर सीटिंग जो पे के साथ जो है ना एसी डक्ट्स जो है ना अवेलेबल हैं, 6 एसी डक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं और इवन आपके जब फीट लेवल पे भी इसकी जो है ना एसी डक्ट्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये एसी जो इसकी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड है। इसके अलावा इसमें एक कूल बॉक्स भी दिया हुआ है, फ्रंट सीट में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल पैसेंजर साइड पर, ये ब्लैक कलर का, इसे कूल बॉक्स का नाम दिया गया है। इसमें आप जो है ना अपनी सॉर्ट ऑफ कोई मेडिसिन या कोई और छोटी मोटी जो है ना ड्रिंकेबल थिंग्स जो है ना आप रख सकते हैं इसमें। और इसके अंदर जो फीचर डिफरेंट किस्म के हैं, इसमें आपने जो एयर कंडीशनिंग की बात की, एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है क्या वो क्लाइमेट कंट्रोल बेस्ड है या सिंपल है? जी ये क्लाइमेट कंट्रोल है ये, ठीक है। और ये आप ड्यूल जो है ना कंट्रोल है इसका, इसके रेयर कंट्रोल्स ये आपके सामने जो है ना डिस्प्ले हैं, ये आपके सामने लगे हुए हैं, ये इसकी जो है ना ड्यूल रेयर साइड एसी कंट्रोल कर सकते हैं और इवन आप इसको यहीं से क्लोज भी कर सकते हैं, आप सिर्फ फ्रंट वाले एसी भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इसमें जो रेयर व्यू मिरर है वो आप हमारे जो है ना रेयर व्यू मिरर से आप जो है ना बैक व्यू कैमरा जो है ना इमेज वो आप वहाँ से आप इसको जो है ना देख सकते हैं। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट फैमिली व्हीकल है और कंप्लीट इंटरटेनमेंट है। जब आप कहीं जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ में या अपने किसी फैमिली इवेंट्स में मूव कर रहे हो तो इस हेक्टिक जो टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ जो चल रही है, उसमें विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स मूव करना ये प्रायोरिटी है लोगों की, तो वही बेसिकली वैल्यूएबल टाइम है। तो लिहाजा हमने उसी वैल्यूएबल टाइम को कैटर करने के लिए ये व्हीकल पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च की है। इसमें अगर पैसेंजर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, 12 सीटिंग कैपेसिटी है व्यूअर्स इसकी, तो इसके अंदर जो ट्रंक है जिसको हम स्पेस के लिए कहते हैं लगेज के लिए जी, उसका इंतज़ाम क्या है? श्योर, अगर आप मेरे साथ मूव करना चाहें पीछे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारी जो लास्ट रो है ये जो है ना हम इसको स्लाइड करके फॉरवर्ड ले आते हैं और पीछे हमारे पास लगेज स्पेस जो है ना वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इन केस अगर आगे पास लगेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम पोर्टेबल रूफ रैक जो है ना यहाँ प्रोविजंस दी हुई हैं, तो पोर्टेबल रूफ रैक भी लगाया जा सकता है उस केस में। रेयर कंपार्टमेंट, लगेज कंपार्टमेंट की कैपेसिटी आपको दिखाने लगा हूँ मैं अभी। तो इस केस में हम ये जो लास्ट रो है इसको हम मूव करेंगे और अब आप देख सकते हैं एक एम्पल स्पेस आपके पास अवेलेबल है, ट्रंक स्पेस आपके पास आ चुकी हुई है। अब आप इसमें जो है ना जितना आप लगेज इसमें रखना चाहें, पुट अप करना चाहें, आप कर सकते हैं और बहुत एम्पल स्पेस है, बहुत सफिशिएंट स्पेस है किसी भी आप कोई लगेज रखने के लिए यहाँ। ये कैपेसिटी कोई तकरीबन 350 से 400 लीटर की होगी? ये 500 प्लस की है, ये इस टाइम 500 प्लस लीटर की जो है ना कैपेसिटी आपको जो है ना यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। स्टिल मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि अगर आप रूफ रैक की ऑप्शन ले लेते हैं, पोर्टेबल रूफ रैक, तो उस केस में आप रूफ रैक यहाँ पर माउंट करके आप मज़ीद जो है ना इसकी आपके लगेज स्पेस आपको अवेलेबल हो सकती है। ये तो ये एक सेकंड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो राइट नाउ अगर आप देख रहे हैं एलईडी इसकी जो है ना रेयर लाइट्स हैं, रेयर जो है ना ये स्पॉइलर है, ठीक है, विद जो है ना रेयर मिरर, और ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, बहुत डिसेंट इसकी आप कह लें रेयर आउटलुक है, इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग एरोडाइनमिक है और इस वजह से इसकी जो आप कह लो फ्यूल इकोनॉमी भी कह लें इम्प्रूवड है और इसकी जो रोड ग्रिप है बहुत एक्सलेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हुंडई के व्हीकल्स का आप कह लें कि इमेज है, ब्रांड इमेज है यहाँ पर पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ग्लोबल एक्सेप्टेंस है हुंडई के व्हीकल। इसकी इस वक्त प्राइस क्या है? इसकी प्राइसिंग जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि
4.5 मिलियन से अप्रॉक्सीमेटली जो है ना इसका मैनुअल ट्रांसमिशन जो है ना वो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर लोग प्रेफर करते हैं वो 5.1 मिलियन का है। और ये टॉप ऑफ द लाइन जो अभी आपको जो है नज़र आ रहा है सामने, जो अभी हम मैंने आपको एक प्रैक्टिकली दिखाया आपको, ये 5.9 मिलियन का है। और ये इम्पोर्टेड व्हीकल है, 1,04,000 वारंटी में है। और इस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में कोई भी व्हीकल इस कैपेसिटी के साथ अवेलेबल नहीं है इतनी अच्छी वारंटी पीरियड के साथ। और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो हुंडई के तमाम जो डीलर्स हैं वहाँ पे इसकी जो बैकअप प्लान्स हैं वो मौजूद हैं, स्पेयर्स। और हमारी जो है ना मोर देन 10-11 डीलरशिप जो है ना ऑल ओवर द पाकिस्तान नेशन वाइड डेवलप हो चुके हैं। 3 डीलरशिप हैं जिसमें आपके जो मेजर सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कराची, मुल्तान, हर जगह फैसलाबाद, यहाँ हर जगह पर आपको हमारी डीलरशिप नज़र आएंगी और आपको आफ्टर सेल्स सेटअप हर जगह पर आपको मिलेगा। लिहाजा कोई भी किसी किस्म का थ्रेट या फियर फैक्टर नहीं रहा कि हम अगर ये गाड़ी ले लेंगे तो ये कहीं ऑफ रोड ना हो जाए, हमें इसकी जो है ना आफ्टर मार्केट सेट जो है ना इसकी स्पोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्टिल इसके बावजूद हमारे पास जो है ना मोबाइल वर्कशॉप वैन है जो कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर हमारे कोई डीलरशिप एक्सेस नहीं है वहाँ पर, तो ओवर द फ़ोन कॉल हमारे डीलर नेटवर्क भी उसको जो सहूलत है फैसिलिटी उसको अवेल कर रहा है एट द स्पॉट जो है ना रेमेडी दें वहीं पर ही, और अगर इन केस अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन है तो उसको जो है ना हम रिकवर कर सकें। क्या ये गाड़ी जो है फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान में संभल होने के कोई चांसेस हैं या ये इम्पोर्टेड ही आएगी? नहीं सर, अभी करंटली जो है ना ये व्हीकल जो है ना इम्पोर्टेड ही आएगी और इम्पोर्टेड ही आ रही है, और इसकी रीज़नेबल प्राइसिंग की वजह से मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जो है ना इम्पोर्टेड ही में एक अच्छा वर्जन हमें मिल रहा है और अच्छी प्राइस भी मिल रहा है। तो अभी करंटली इसको लोकल असेंबल्ड का प्लान जो है ना वो भी नहीं है। सो व्यूअर्स, अभी हम इमरान साहब से इन डिस्कशन थे और हमने देखा कि इनकी जो ग्रैंड स्टेरेक्स है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है और ये एक इम्पोर्टेड कार है। फीचर्स आपने उनसे सुन लिए हैं कि उसकी विड्थ और हाइट, लेंथ और 2.4 लीटर इंजन है जिसकी यूरो 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है उसका एमिशन कंट्रोल सिस्टम है। फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं, पिछली जो उसकी ब्रेक्स हैं वो भी डिस्क पे बेस करती हैं और ड्रम बेस्ड हैं, और 4x4 में ये वर्जन नहीं है, ये रियर व्हील ड्रिवन है। और इसके अंदर जो तमाम लवाजमात हैं वो एक बड़ी गाड़ी वाले हैं, यानी कि इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो एक कार और 12 सीटर कैपेसिटी के साथ ये अवेलेबल है। और पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स में जो सबसे अहम चीज़ है वो ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसके फीचर्स आपको बता दिए हैं कि इसके फीचर्स में जो सबसे अहम चीज़ है वो इसके ड्यूल सनरूफ हैं और उसके साथ क्लाइमेट कंट्रोल एसी है जो कि पीछे फीट्स के अंदर भी है, और लगेज कैपेसिटी को भी इसकी बढ़ाया जा सकता है सीट्स को आगे करके। तो व्यूअर्स, ये एक कंप्लीट पैकेज आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्रैंड स्टेरेक्स जो है वो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पाकिस्तान में कामयाबी भी मिलेगी। राणा उमर के साथ उर्दू पॉइंट, लाहौर।